इसमें कहां थोड़ी बहुत चूक हो रही है, चूक हुई कि शायद जनता ने माना कि भाई हम लोगों ने काम कैसा किया, क्या किया, मेहनत नहीं की, या जनता जो उनकी लुभावनी घोषणाएं थी उन घोषणाओं में आके और जनता एक तरफ बहती गई है। भारतीय जनता पार्टी भी सनातन धर्म की दुहाई देती है, उससे उसके सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं। आप सोचिए दोबारा महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ, वहां के जो विद्वान साधु संतों ने उन्होंने कहा कि इस मैंने उस आधार भी मांगा है कि मैंने वैश्य समाज में भी काम किया है और समाजों में काम किया है। मेरा अगर जीवन उठा के आप देखेंगे तो मैंने कभी भी जाति और पांति नहीं देखा। ये तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोग करें अपने विधायक से कि भाई जब तक आप लड़ रहे थे तब तक ये भाजपा थी और भारतीय जनता पार्टी की वो 10 साल से सांसद है, असली और नकली कौन है ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी 77 केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र की जनता आने वाले समय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजीव गुप्ता। जैसा कि बता दूं कि 2023 विधानसभा चुनाव का अब काम डाउन शुरू हो चुका है और जिस प्रकार से प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने 4 लिस्ट कर चुकी है और 4 लिस्ट के बाद में प्रत्याशी जिनको बनाया गया वो मैदान में उतर चुके हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी अपना पत्ता नहीं खोला गया, प्रत्याशी असमंजस में है कि आखिर उन्हें मैदान में उतरना है और 17 नवंबर को मतदान होना है तो कौन सा ऐसा चेहरा होगा कि जिसको फील्ड में जाकर मेहनत करनी है। कहीं ना कहीं पर कांग्रेस पर प्रत्याशियों के नाम घोषणा करने पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर में इतने लेट कपेट क्यों हो रहा है। और इसी विषय पर अगर मैं बात करूं तो मैं सीधी जिले के विधानसभा 77 पर बैठा हुआ हूं और हमारे साथ में जुड़ेंगे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता जी, व्यापारी संघ के अध्यक्ष लालचंद गुप्ता जी। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा 77 का समीकरण क्या है, इतिहास क्या कहता है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट अभी तक घोषणा क्यों नहीं की गई, क्या रेस के दौर पर वो टिकट में है। कहीं ना कहीं पे बहुत सारी सवाले होंगे जो आपको जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तो आइए, हम तो स्वागत है आपका पोल खोल पोस्ट। धन्यवाद, आपका स्वागत है। अब 2023 शंखनाद हो चुका है, चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी है और अगर मैं बात करूं विधानसभा 77 तो पहले पर मुद्दे पर आता हूं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी किसी भी जगह पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई, लेट लपेट का कारण क्या हो सकता है। हम सब सनातन धर्म वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी भी सनातन धर्म की दुहाई देती है, उसके सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं। आप सोचिए दोबारा महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ, वहां के जो विद्वान साधु संतों ने उन्होंने कहा कि इस समय जो ये समय पितर पक्ष का चल रहा है इसमें कोई शुभ काम नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये सनातन धर्म की दुहाई देते हैं, पालन कितना करते हैं, ये जो खट्टे दिन चल रहे हैं इसके कारण कांग्रेस पार्टी की सारी लिस्ट बन के तैयार है, इसके कारण नहीं घोषणा हो रही है कि ये खट्टे दिन चले जाएं और इसके बाद नवरात्र की शुरुआत होगी तो कांग्रेस की जंबो बड़ी लिस्ट आएगी। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट बहुत जल्दी आएगी, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा 77 की जहां पर आप मौजूद हैं। अब यहां पर एक लड़ाई सी हो गई है, 4 वर्ष से विधायक रहे केदारनाथ शुक्ला जी का टिकट काट दिया गया, सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारना पड़ा और टिकट काटना, उसके बाद फिर एक सीधे सीधे से दोनों का विरोध सामने आ रहा है। एक कहते हैं कि असली भाजपा कौन होगा, नकली भाजपा कौन होगा। इस नजर को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या समझते हैं सीधी के समीकरण को? दूसरी होती नहीं दिया साथ और नहीं देने के बाद अंदरूनी उनके साथ भीतरघात बहुत हुआ भंवर साहब के साथ और कांग्रेस ने चुनाव हारा, भीतरघात के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। 2008 में पहली बार केदार शुक्ला जीत गया, अब उसके बाद लगातार 2 बार यहां से चुनाव कमेश्वर द्विवेदी लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना एक अलग विषय है और चुनाव लड़के काम करना एक अलग विषय, दोनों विषय अलग अलग है। लगातार ये चुनाव लड़ते रहे, पैठ बनाते गए और पहले गोपाल मास से लड़ते थे,
पांच चुनाव, मतलब कुल कमलेश्वर द्विवेदी जी आठ चुनाव लड़े हैं, आठ चुनाव में तीन चुनाव वो गोपतमास से लगातार जीते हैं, दो वो गोपतमास से लगातार हारे और तीन सीधी से। 1998 में कमलेश्वर द्विवेदी जी को टिकट वहां से गोपतमास से नहीं मिला था, द्वारिका दुबे को मिल गया था। तो कमलेश्वर द्विवेदी जी सीधी से आ गए थे और निर्दलीय चुनाव लड़े थे कांग्रेस के झोपड़ी, हाँ 1998 में झोपड़ी चुनाव चिन्ह शायद मिला था और उससे वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के इंद्रजीत कुमार के विरोध में, जिस बार वो रविनंदन सिंह के भतीजे लड़े थे। इसके बाद भी इंद्रजीत कुमार जीते चुनाव और फिर 13-18 दोनों चुनाव लगातार हार रहे हैं कमलेश्वर द्विवेदी। अब चूक कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, किस कारण हम चुनाव नहीं लड़े कि जो हमको जवाबदेही मिली उस पर हम खड़े उतरे कि नहीं उतरे, कितना हम जनता की आवाज उठाए कि नहीं उठाए, जनता के क्या मूड में था। एक तो 2008 के बाद शिवराज जी का एक ग्राफ बना और ग्राफ बनने के बाद भाई हैं अच्छेदार भाषण और घोषणा आवाज, तो अभी तक में मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज जी को समझा, ये घोषणा करने की मशीन है, अभी समझने में इतना समय लग गया। समझ तो लिए थे 2018 में जनता, मध्य प्रदेश की जनता 2018 में शिवराज जी को हरा चुकी, जनता ने बहुमत दिया था कांग्रेस को, कांग्रेस को जनता ने बहुमत दिया था 2018 तक, तो जनता समझ गई थी इनके इनके धर्मराज सिंह खड़े हो, तो वही खाई रही कि राधे श्याम गुप्ता जी चुनाव हार गए। 1980 में ही गोपतनाथ से माननीय रविनंदन सिंह जी चुनाव लड़े, वहां से भी वो चुनाव वो भी हार गए 80 में, और कमलेश्वर द्विवेदी का वहां से उदय हुआ 80। कमलेश्वर द्विवेदी जी का पूरा अगर जानना चाहे तो ये आपके यहाँ सरई के पास भुईमाड़ है, वहां के बेवहर जनाने 80 में माननीय अर्जुन सिंह जी ने कमलेश्वर द्विवेदी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, यहाँ से 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी, 80 में ही भारतीय जनता पार्टी। उस समय विपरीत परिस्थिति थी, आपसी लड़ाई के कारण 79 में जनता पार्टी टूट गई और विपरीत परिस्थितियों में देवसर से राधे श्याम जी गुप्ता को यहाँ उतार गया, निर्दलीय हो गए धर्मराज सिंह जी, दोनों हार गए, धर्मराज सिंह जी भी हार गए और राधे श्याम गुप्ता भी हार गए 80 में, फिर इंद्रजीत कुमार। 85 में यहाँ राजबली सिंह जी को टिकट मिला, 85 में भी इंद्रजीत जीत गए, राजबली सिंह जी हार गए। 89 में फिर लालमणि सिंह जी आए, लालमणि सिंह जी को 89 में टिकट मिला, वो भी हार गए। 89 में दो टिकट मिले यहाँ, एक टिकट यहाँ से मिला सीधी विधानसभा से और एक टिकट गोपतनाथ विधानसभा, केदार शुक्ला का 89 में टिकट कट गया गोपतनाथ से, 85 में गोपतनाथ से केदार शुक्ला ने चुनाव लड़ा था, 89 में उनका टिकट कट गया, तो वहां से मंगलेश्वर सिंह जी हो गए, यहाँ से राजबली सिंह जी, तो लालमणि सिंह जी हो गए, तो वहां से वो हारे, यहाँ से ये हारे। 93 में फिर लालमणि सिंह जी लड़े, तो फिर यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा। 98 में रविनंदन सिंह के भतीजे यहाँ से लड़े, तो फिर यहाँ से वो चुनाव हार गए, लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 2003 में समझौता हुआ है और आपसी समझौता हुआ कि अजय प्रताप सिंह जी गोपतनाथ से लड़ेंगे और केदार शुक्ला सी जी से लड़ेंगे, ऐसा आपसी समझौता हुआ और वहां से सीधी से पहली बार 2003 में केदार शुक्ला जी ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उस बार भी इंद्रजीत जी जीते 3,500 वोटों, 3,700 वोटों से वो चुनाव जीत गए और फिर इसके बाद प्रतिमन हुआ, प्रतिमन में चले गए, वो चली गई सीट सिहावल। 2003 में वही विधायक रहे, 2008 में फिर चुनाव हुआ, 2008 से फिर लेकर उस समय माननीय भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था 2008 में केदार, और केदार जी पहली बार सीधी विधानसभा क्षेत्र के विधायक। तो ऐसा लगातार भारतीय जनता पार्टी दे रही थी कि भाई यहाँ बाहुल्य जीते हैं, और पता नहीं एक जो मुझको जो लगता है कि भाई 1977 से जो एक वो खाई पड़ी, तो कांग्रेस वो गलती आज कहां कर रही थी, अब गलती कांग्रेस गलती कहाँ कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही थी भाई 2003 तक, तो यहाँ तो कांग्रेस का ही कब्जा था, तो गलती तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। 2008 के बाद से कहाँ पे गलती, 2008 के बाद परसीवन जब हुआ तो 2008 के बाद
माननीय भंवर साहब लड़े, तो यहाँ के कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो अभी माननीय विधायक जी इस्तीफा नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी, और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके विधायक कह रहे हैं। ये एक बड़ा अचंभा स्टेटमेंट आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी महिला को टिकट दे दिया जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव हारेगी। ये कांग्रेस पार्टी कहती तो एक आरोप होता। अब इसको स्पष्ट करें माननीय विधायक जी की कैसी महिला। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये 10 साल सीधी की सांसद थी और 10 साल की पीरियड में 77 सीधी को किसी भी पंचायत में इन्होंने 100 रुपए का विकास कार्य के लिए बजट किया हो तो उस पंचायत का नाम बता। ये उनके पार्टी के विधायक है, उसी पार्टी के ये सांसद हैं। वो आरोप कांग्रेस पार्टी के नाते मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उनकी भाषा थी। अगर इसमें सत्यता है तो विधायक जी ने आरोप लगा दिया है, और माननीय सांसद जी ने अगर दिया है सीधी विधानसभा को विकास कार्य के लिए पैसा तो उनको लिस्ट जारी करना चाहिए। ये आरोप से मुक्त होना चाहिए कि सीधी विधानसभा के विधायक, 3 बार के विधायक सीधी विधानसभा से और 1 बार के विधायक कोपदनाथ विधानसभा से, उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के विधायक ने आरोप लगाया है। तो जनता ये जानना चाहती है कि जिस सीधी विधानसभा से आप प्रत्याशी बनी हो उस सीधी विधानसभा के लिए आपने क्या काम किया है। और ये विधायक जी कह रहे हैं अगर ये आरोप है उनके ऊपर तो इसकी सफाई जनता के बीच उनको देना चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगर मैं बात करूं 77 की, जैसे अगर क्योंकि विधानसभा जब अपने अस्तित्व पर आया उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस का ये हमेशा से गढ़ कहलाता था। उसके बाद जैसे ही कांग्रेस विभाजन हो गया तो उसके बाद से बीजेपी यहाँ पर काबिज हो गई। कांग्रेस से ऐसी कहाँ पे चूक हो गई कि जिसके वजह से हमेशा हार का सामना करना पड़ा। देखिए 1977 में इंद्रजीत कुमार जी का उदय हुआ, जब जनता पार्टी 75 में इमरजेंसी लगी थी और 77 में जनता पार्टी बनी इमरजेंसी के बाद। उस समय यहां का टिकट केशव सिंह जी को दिया गया जनता पार्टी से, और आपके पहाड़ी के देवेंद्र मिश्रा जी थे एडवोकेट, उन्होंने, वो जनसंघ में थे, और ये टिकट समाजवादी कोटे में चली गई। जनसंघ के कोटे से देवेंद्र मिश्रा भी उम्मीदवार थे और उनको टिकट नहीं मिला। वो निर्दलीय लड़ गए जनसंघ के कोटे से, और जनता पार्टी से केशव प्रताप सिंह जी लड़ गए, और लड़ाई तिकोनी हो गई, और तिकोनी के बीच में इंद्रजीत कुमार जी ने यहां से पहली बार विधानसभा में इस सीधी की जनता ने उन्हें सौगात दिया और वो सीधी विधानसभा का नेतृत्व। तब से लेकर 77 से लेकर और आप कह लीजिए 1998 तक, 2003 में भी जीते, 98 तक टिकट भारतीय जनता पार्टी देती रही, मतलब यहां राजपूत कोटे से 85-80 में राधेश्याम जी को दिया था, 80 में भी यही स्थिति बनी कि 80 में राधेश्याम जी जब लड़े वो देवकर के, और वो जब चुनाव 80 में लड़े तो निर्दलीय के रूप में उस समय स्वर्गीय छोटेलाल सिंह, में कहां थोड़ी बहुत चूक हो रही है, चूक हुई कि शायद जनता नहीं माना कि भाई हम लोगों ने काम कैसा किया, क्या किया, मेहनत नहीं की, या जनता जो उनकी लुभावनी घोषणाएं थी उन घोषणाओं में आके और जनता एक तरफ बहती गई। उनको लगा कि ये कह रहा है मुख्यमंत्री बहुत देगा और हमारी सरकार नहीं थी। हारने का प्रमुख कारण यही है कि जनता अंधेरे में थी और एक से एक झूठी योजनाएं आती गईं और जनता उसी में बहती गई, यही कारण हम मानते हैं चुनाव हारने। अगर हम बात करें बीजेपी की जो चारों लिस्ट जारी हुई, इसमें एक बात हमने गौर किया है हमारे मीडिया वर्ग में कि जातिगत समीकरण पर टिकट को बराबर हिस्सों में बांटा गया है। जहां पे जैसा जातिगत समीकरण है वहां पर विभाजन किया गया। अगर मैं उदाहरण के तौर पे सीधी दिल्ली के 4 सीटों पे आता हूँ, एक तो आरक्षित हो गई है,
दूसरी अगर हम बात करते हैं, तीन हमारे यहाँ सामान्य सीट है जिसपे की सीधी हो गया, चौरहट हो गया और आपके सियाबल हो गया। अब ये तीनों सीट पर आप देखिए कि एक वर्ग को उतारा गया, तो कांग्रेस इस जगह पर कहां पे गलती कर जाती है कि टिकट के लिए ध्यान वो नहीं दे पाती है, खासतौर पर सीधी की बात करें। देखिए है क्या कि अलग अलग विषय है, यहां जाति समीकरण बैठाना, और हमारे यहाँ जाति समीकरण हमारे यहाँ भी चलता है कि भाई एक वहां से कमेश्वर जी लड़ रहे हैं या फिर राहुल भैया जी लड़ रहे हैं, सीधी से एक कैंडिडेट दे दो ब्राह्मण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें कहाँ विचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तीन की तीनों सीटों एक कास्ट में दे रही है, ठीक, वो समीकरण को नहीं देख रही, वो जीतने वाला प्रत्याशी तय कर रही है, समीकरण कुछ नहीं है, उनको लग रहा है कि जीतने वाला कौन कैंडिडेट है, हम समीकरण बैठाते हैं और समीकरण का लाभ हमें कितना मिलता है। पिछले चुनाव में आप सबने देखा ही कि समीकरण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, नेता की एक हैसियत है, वो नेता की एक हैसियत है तो जनता उसको लायक है। हम समीकरण के आधार पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी समीकरण नहीं देख रही है, समीकरण नहीं देख रही है तो दोनों सीटें चुनाहट और सीधी पिछले बार जीत, तो वो तो इसका ध्यान नहीं देते हम समीकरण, तो इसके आधार पर भी तय होना चाहिए कि भाई जनता के बीच काम करता कौन है, जनता के बीच कौन नेता है, जनता किसको लाइक करती है, ऐसा सर्वे के आधार पे जो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया है उसके आधार पे टिकट वितरित करे तो वो ज्यादा ठीक होगा। मेरा मेरा अपना सोच है कि जो हमने सर्वे करवाया सर्वे के आधार पे किसका नाम आ रहा है, सर्वे के आधार पे कौन होगा, तो वो समीकरण भारतीय जनता कांग्रेस को बैठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, आने वाले समय में कितना लाभ मिलेगा ये समय बताएगा, इस बार जो उन्होंने किया है कितना लाभ मिलेगा वो तो समय बताएगा। भाई एक तरफ अगर उस कास्ट में आप टिकट दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उसके अतिरिक्त तो और जातियां वोट करती हैं सारी, तो वो समीकरण भी देखना चाहिए, वो समीकरण नहीं देखा तो आने वाला समय बताएगा कि सीधी की जनता उस विषय पर कैसा निर्णय लेती है। अब अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो चुका है, अंतिम समय सवाल ये है कि क्या आप कांग्रेस की दौड़ पर हैं, टिकट की रेस पर हैं, और अगर पार्टी देती है तो फिर क्या दायित्व रहेगा? बिल्कुल टिकट की रेस पे हैं, टिकट मांग रहे हैं, और इसलिए भी मांग रहे हैं कि रामित्र गुप्ता बड़े नेता होते थे, तीन बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सॉरी वित्त मंत्री रहे, और उसके बाद उनके जाने के बाद इस विंध्य क्षेत्र में न भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस एक भी बैस समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। उनके जाने के बाद निश्चित रूप से यह तय है कि इस विंध्य क्षेत्र का बैस समाज वोट सर्वाधिक करता है भारतीय जनता पार्टी। मैंने उस आधार पर मांगा है कि मैंने वैश्य समाज में भी काम किया है और समाजों में काम किया है, मेरा अगर जीवन उठा के आप देखेंगे तो मैंने कभी भी जाति और पांति नहीं देखा। मेरे पास गरीब तबका के लोग आए, चाहे वो हरिजन हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सबके लिए मैं अक्सर मैं अगर संघर्ष किया हूं तो इन गरीबों के लिए किया हूं। गोमती में सबसे गरीब दुकान लगाता है, तो 96 में मैंने लाठियां भी खाई है इन गरीब के लिए, जेल भी गया, तो मेरी लड़ाई हमेशा इन गरीबों के लिए थी और इन गरीबों के हित की लड़ाई लड़ता हूं। तो मेरा ऐसा सोच है कि इस बिंद में एक टिकट वैश्य समाज को जाना चाहिए, और अगर पार्टी ने यह मौका दिया तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वैश्य समाज भी इंतजार इस बार कर रहा है। दूसरी बार से इस बार परिस्थितियां बदली, इस बार रीवा डिवीजन का यह बिंद क्षेत्र कह लें, शहडोल और रीवा दोनों जगह का वैश्य समाज बड़े आशा भरी निगाह से जो देख रहा है कि अगर सीधी से लालचंद गुप्ता को टिकट मिलता है तो हम सब अपने आप में परिवर्तन करेंगे कि जो पार्टी हमको दे रही है, जिसका हम खा रहे हैं उसी का गाएंगे, और अगर भारतीय कांग्रेस ने ऐसा मौका दिया तो इन सारी विधानसभाओं में हर विधानसभा से कहीं 8,000 तो कहीं 10,000 तो कहीं 15,000 तो कहीं 20,000 वैश्य समाज निवास करता है, और निश्चित रूप से जो स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की तरफ वैश्य समाज के बनाए वो लौट के, ऐसा मेरा विश्वास है, जिस हिसाब से वैश्य समाज पूरे
रेवा डिवीजन का हो, मेरे पास टेलीफोन कर रहा है कि भैया इस बार हम बड़ी आशा निगाह से देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा और बदलाव को कांग्रेस की तरफ कम होगा। तो हम ये बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और मान भी रहे हैं ये सौभाग्य कांग्रेस पार्टी हमको दे सकती है। बाकी जब तक टिकट घोषणा नहीं है तब तक हम क्या कहते हैं, लेकिन आशा पे ही दुनिया टिकी है, मैं भी आशा पे टिका हूं कि निश्चित रूप से इस दिशा में कांग्रेस पार्टी विचार करेगी और हम लोगों को अपने साथ जोड़ेगी। जैसा कि हम आपसे रूबरू हुए लालचंद गुप्ता जी से और मसले पर हमने बात किया, अब कांग्रेस की सूची जारी होने वाली है, संभवतः यह है कि 15 से 17 तारीख तक में सूची जारी हो जाती है। जैसा कि आपने कहा कि वैश्य समाज के लिए कहीं न कहीं पर स्थान बीजेपी ने शामिल नहीं किया जो लिस्ट जारी हुई थी, कांग्रेस अगर वैश्य समाज को वोट देती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, व्यापारी समाज के लोग अगर इसमें आते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपने साफ तौर पे बताया। सीधी विधानसभा 77 की हमने बात किया तो आपने पूरा इतिहास हमको बताया कि सीधी विधानसभा 77 का पूरा इतिहास था क्या, क्यों अगर कारण हुआ कि स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी के जाने के बाद से फिर यह स्थिति सीट वापिस कांग्रेस को नहीं मिल पाई। इस बार 2023 में यह मौका है कि अगर कांग्रेस सही प्रत्याशी को चुनती है तो 2023 में सीधी विधानसभा 77 पर कांग्रेस अपना परचम लहरा सकती है। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राजभवन के साथ।